राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस भयंकर गर्मी में ना सभी का हाल जो है वो बेहाल हो रहा है। हमारे यहाँ का ना भी 47-48 टेम्परेचर जो है वो जा रहा है। बहुत ही बुरी वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। घर के काम करने में बिना हालत जो है वो खराब हो रही। जरा सा भी अगर कूलर या पंखे के सामने से हट जाओ ना तो पसीना तो ऐसा निकल रहा है कि जैसे अभी हाल हम नहाकर ही निकले हों। और सुबह जितनी ही जल्दी काम कर लो ना उतना ही आराम है। अगर जो है काम का समय थोड़ा सा भी अगर ऊपर चला जाता है तो वो मौसम बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और मतलब बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ जो है ना बस मैं सुबह से ही अपने घर के काम में लग गई थी जिससे कि मैं जल्दी काम से फ्री हो जाऊँ, ताकि गर्मी का जो मौसम है ना वो मैं कूलर और पंखे के सामने ही बस बैठी रहूँ। और तो बाकी भाई कहीं भी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो अभी देखिए मैंने जो ना मशीन लगा दिए थे तो बस कपड़े धुल गए थे मेरे, तो मैंने उनको कंगाल कर और ड्राई कर फैला देती हूँ। अगर कपड़े जितनी जल्दी धूप में डाल दे ना तो उतनी ही जल्दी वो सूख जाएंगे, नहीं तो दोपहर तक ना तेज हवा चलती है तो कपड़े भी गिरते हैं और साथ ही में कपड़ों में धूप लगती है तो उनके कलर भी निकल जाते हैं। तो बस कपड़ों को ना जितनी जल्दी हो सके वो इस मौसम में धूप में डाल दो ताकि हल्की धूप भी लग जाए और कपड़े जो हैं वो आराम से जल्दी सूख भी जाएंगे। जब तक हमारा घर का काम होता रहेगा ना तो इधर हमारे कपड़े भी आराम से सूख जाते हैं। और साथ ही में ना मैंने बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म भी धोकर डाल दी है क्योंकि स्कूल तो बंद हो चुके हैं। तो बस सूखने के बाद मैं इनको ऐसे ही फोल्ड करके रख दूंगी और जब स्कूल खुलेंगे ना तभी मैं इनको 2 दिन पहले ही निकाल कर प्रेस करके रखूंगी, क्योंकि पहले से अगर हम प्रेस करके रख देते हैं तो उनमें कपड़ों में लाइनिंग आ जाती है जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। और अभी अंशिका ने ना चिड़ियों के लिए जो मैं पानी रखती हूँ वो मिट्टी का बर्तन, उसको ना वो साफ करके उनके लिए पानी भर कर ले आई है। क्योंकि जब मैं सुबह है ना चिड़ियों के लिए पानी रख देती हूँ तो इतना समय नहीं रहता है कि मैं उसको धोऊं, तो बस अभी आराम से वो धो कर के और उनके लिए पानी रख देगी। और अच्छा लगता है, बच्चे भी काम में मदद करते हैं और अभी छुट्टियाँ हैं ना तो बच्चे काफ़ी मदद भी कर देते हैं। घर के छोटे छोटे काम अगर कहो ना तो वो लोग आराम से कर देते हैं, तो मुझको भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है और बस काम थोड़ा और जल्दी समेट लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कपड़े वगैरह फैलाने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में और नाश्ता तो सभी को मैंने करा दिया था। तो यहाँ जो है किचन की भी मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। यहाँ दूध आ गया था तो मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। बर्तन भी मैंने धोकर के डलिया में रख दिए थे और जिससे मुझे पोछा लगाने में दिक्कत ना हो तो मैंने बस उसको नीचे उठाकर रख दिया था। और जस्ट अभी मैंने किचन जो है वो साफ कर ली है तो वापस से मैंने उसको बर्तन की डलिया ऊपर रख दी और जब इसका पानी सूख जाएगा तो बस मैं इसको दूसरी डलिया में लगा दूंगी। इससे क्या होता है ना, जब हम खुद से अपने काम को करते हैं ना तो बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो पानी भी बर्तन के ना सारे ही बहुत जल्दी निकल जाते हैं और बस इनका पोंछ के रखने का काम भी नहीं रहता, क्योंकि जब वो इजीली सूख जाते हैं ना तो उन पर कोई भी निशान नहीं पड़ते। तो यहाँ देखिए मटका जो है वो मेरा खाली हो गया था और बस मैं इसको भी धो करके आज पानी भर कर रख दूंगी। मटके धोते समय ना एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए, बस मटके में हमें अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी जो है ना वो हमारा ज़्यादा ठंडा नहीं होता। अभी तो खैर गर्मी इतनी बढ़ रही है कि मटके का पानी भी ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है और फ्रिज वगैरह में भी हम लोग पानी भरते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस अभी भरा और अभी बोतलें खाली हो गई हैं। तो देखिए यहाँ मटका धुल चुका है और ये मेरा मटका ना जो थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी इसमें से निकल रहा था तो बस मैंने इसको हल्का सा वाइट वाला जो सीमेंट आता है मैंने नीचे उसको वो लगा दिया था जिससे अब ये थोड़ा सा कम रिसता है, नहीं तो जितना मैं पानी भरती थी ना उतना ही जल्दी ये मेरा मटका खाली भी हो जाता था। तो यहाँ देखिए बस मैं मटके में पानी तो भरी रही थी, साथ ही साथ मैं अपने इन पौधों को भी पानी दे दूंगी। तो यहाँ देखिए बस मेरे एक साथ जो है वो दो ही काम हो रहे हैं, जो मेरी अक्सर यही कोशिश रहती है कि मैं अपने कामों को ना साथ साथ एक से दो कामों को करती चलूँ, तो जिससे वही है मेरा रूटीन, जो मेरे थोड़े काम है वो थोड़े ईजिली होते हैं और जल्दी भी होते हैं। तो यहाँ साथ ही साथ मैंने पानी डालने के बाद पौधों में मेरा देखे मटके में भी जो पानी है मैं ध्यान से उसको भी आ करके पलट दे रही थी और बस मटका भी मेरा भर गया। तो देखिए मैंने जो आप लोगों को बताया था कि मेरे पास साड़ियाँ रखी थी और मैं उससे डोरमेट बना रही हूँ, तो आज जो है ना मेरा डोरमेट जो है वो फाइनली तैयार हो चुका है। काफ़ी दिनों के बाद तैयार हुआ है क्योंकि बीच में इतनी तेज गर्मी हो रही थी कि मन ही नहीं होता था बनाने के लिए, तो बस अभी मैंने इसको बना लिया है। और देखिए अभी जो क्या है ना ये थोड़ी सी फिनिशिंग इसमें बाकी रह गई है तो अभी मैं इसमें फिनिशिंग कर देती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल एक सा जो है वो बनकर के मेरा रेडी हो चुका है और आप लोग बताइएगा कि भाई ये देखने में कैसा लग रहा है। तो ऐसे ही गर्मी के मौसम में भी ना मैं अपने कामों को बड़ी ही
सोच विचार के साथ ही करती हूँ, जिससे भाई गर्मी में थोड़ी तो राहत मिले, क्योंकि दोपहर के टाइम तो कूलर का हवा भी बेहाल है, उसके सामने भी जब तक आप रहोगे तब तक ही कुछ असर रहता है। और चलिए वापस से चलते हैं किचन में। तो यहाँ दूध जो है वो मेरा गर्म हो चुका है, बस मैं गैस बंद कर देती हूँ और यहीं पर ना मैं साथ ही साथ रायता भी बनाकर रख दूंगी। जब तक खाने का समय होगा ना तब तक ये बूंदी इसके अच्छे से सोख कर लेगी और बस उसके बाद रोटियां सेक दूंगी और सभी लोग खा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने कपड़े धोकर डाले थे वो भी समय से सूख गए हैं और बस मैं इनको भी अंदर कर लूंगी और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना फिर उसके बाद इसकी मैं फोल्डिंग करूंगी और जो डेली के कपड़े हैं उनको मैं कपड़ों में रख दूंगी और जो ड्रेसेस वगैरह थी उनको मैं फोल्ड करके अलग से रख दूंगी क्योंकि अभी जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए सभी कामों को करने के बाद ना बस अभी मैं आ चुकी हूँ कमरे में, बच्चों के साथ बैठूंगी और यहाँ देखिए बच्चे जो है छुट्टी चल रही है तो कैसे इंजॉय कर रहे हैं भाई, इनके तो मजे ही मजे आ गए हैं। अब इन्हों तो 1 महीने आराम है और हाँ थोड़ा सा मतलब स्कूल से होमवर्क वगैरह भी मिला है जो कि इन्हें करना है तो सुबह शाम अपना करते ही हैं। तो साथ ही साथ उन लोग का जो प्रोजेक्ट है ना वो भी तैयार हो रहा है, सामान वगैरह जो मार्केट से धीरे धीरे ला रहे हैं जो भी इनको जरूरत है। तो चलिए जी अभी खाना वगैरह हो के और थोड़ा आराम करने के बाद अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया है और बस मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। तो यहाँ जो है ना मैं रात का खाना बना रही थी और रात के खाने में बना रही हूँ मैं रोसे की फली की सब्जी और थोड़ा दूध रखा था। तो बस बच्चे तो दूध अभी गर्मी की वजह से ले नहीं रहे हैं तो बस मेरी कोशिश रहती है मैं दूध से ना कुछ बना देती हूँ या सबसे अच्छा ऑप्शन है कि थोड़ा सा डेली ही दही बनाकर रख लेती हूँ ना तो अभी खाने के साथ छाछ वगैरह भी हम पी लेते हैं। और गर्मी में ना लस्सी जो है ना बहुत अच्छी होती है, ठंडी भी रहती है तो बस कभी कभार लस्सी भी बना लेती हूँ और वैसे भी खाने के संग दही खा लिया जाए तो वो ठंडा ही रहता है जो कि अच्छा रहता है। दूध तो अभी बच्चे ज्यादातर नहीं लेते हैं, कभी कभार ही ले रहे हैं। तो यहाँ ना मैं किचन में तो बस रख के आई थी, उधर मेरी सब्जी वगैरह धीरे धीरे जो है वो भून रही है तो इधर मैं शाम को ना मैं गमले में पानी भी डाल देती हूँ। तो देखिए गमलों में भी बस मैं पानी एक एक करके डाल ही रही हूँ, पौधे कैसे सूख जाते हैं कितनी भी केयर करो ना लेकिन फिर भी शाम तक इनकी हालत जो है वो खराब ही हो जा रही है। तो बस अभी मैं सब्जी को ही देख रही थी कहीं सब्जी लग ना गई हो और बस साथ ही साथ मैं बना रही थी खीर और खीर में जो है ना थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि खीर जो है ना जब हम धीमी आंच पर पकाते हैं तो ही वो बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। तो बस साथ साथ जो है वो उधर बनती रहेगी आराम आराम से और मैंने यहाँ बोतलें मेरी खाली रखी थी तो बस उनमें पानी भर कर रख देती हूँ क्योंकि बोतलें जो है ना वो बहुत जल्दी खाली हो रही हैं। और बस देखिए इतने में बेटा आ गया और कह रहा था कि मम्मी आप रहने दो मैं भर कर रख दूंगा, तो मैंने कहा नहीं ठीक है मैं खाली थी तो मैं ही भर कर रख देती हूँ। अभी छुट्टियां है ना तो बच्चे कोचिंग वगैरह है ना वो सुबह ही पड़े आते हैं ठंडक में तो शाम को भी वो लोग फ्री रहते हैं। तो अभी मैं सूखी ही सब्जी बना रही थी तो बस इतने में बेटा बोल रहा था कि नहीं मम्मी हल्का सा जो है ना उसको रसेदार बनाइएगा, तो बस मैं हल्का सा रसीली ही बनाऊंगी क्योंकि वैसे तो रोसे की सब्जी जो है ना वो ज्यादातर सूखी ही अच्छी लगती है लेकिन क्या करूं जब बच्चों की जो पसंदीदा चीजें रहती है वही करना पड़ता है तो मैं हल्का सा रसीला ही बनाऊंगी। और आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।